भारत का पौराणिक इतिहास सृष्टि के आरंभ से लेकर कलयुग में हुए राजाओं एवं मुगल शासन तक का इतिहास है। भारत के इतिहास में असंख्य राजाओं और रानियों का नाम दर्ज है। इन शासकों में से कुछ वीर योद्धाओं ने महान लड़ाइयां लड़ी और हर तरह से अपने साम्राज्य की रक्षा की। कला के अद्भुत नमूनों के तौर पर कई महलों का निर्माण करवाया। हालांकि इन राजाओं और रानियों की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही है। कुछ शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान लंबे समय तक अपनी निजी जिंदगी के कई राज सबसे छिपा कर रखे। शायद आपने भी सुना हो किसी राजा की हफ्तों के दिनों के हिसाब से रानियां हुआ करती थी। राजा हफ्ते के हर दिन अलग अलग रानियों के साथ सोया करता था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि राजा महाराजा एक से ज्यादा शादियां किया करते थे? क्या आज के जमाने की तरह उन्हें अपनी पत्नियों से डर नहीं लगता था? आइए जानते हैं कुछ राजाओं की निजी जिंदगी के हैरान कर देने वाले किस्से। राजा महाराजा हमेशा किसी राज्य या किसी क्षेत्र के मुखिया होते थे, तो उनके लिए आर्थिक तौर पर कई शादियां कर लेना आम बात थी। और हाँ, वे अपने लिए एक से ज्यादा शादियां करने के खर्चे भी उठा सकते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ राजा महाराजा ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी सीमाएं लांघ दी। भरतपुर के महाराज किशन सिंह। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अपने विचित्र शौकों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक या दो शादियां नहीं बल्कि उनके 40 पत्नियां थी। और अगर आप उनके शाही शौकों के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दीवान जरामणि दास ने अपनी किताब महाराजा में किशन सिंह के जिंदगी से जुड़े कई वाक्यों का जिक्र किया है। राजा किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने उनके लिए एक गुलाबी संगमरमर वाली एक झील बनवाई और उसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों वाली सीढ़ियां बनवाई। चंदन की 20 लकड़ियों को इस तरह से रखा गया था कि दो व्यक्ति एक लकड़ी पर आराम से खड़े हो सके, जहां पर उनके स्वागत में उनकी पत्नियां निवस्त्र होकर सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी। सभी रानियां अपने हाथों में एक मोमबत्ती लिए रहती थी। इसके अलावा प्रकाश के सभी स्रोत बंद कर दिए जाते थे। अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर ये रानियां नृत्य करती थी, जिसकी मोमबत्ती सबसे अंत तक जलती रहती थी। उसे राजा के साथ एक रात बिताने का मौका मिलता था। पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह पंजाब के महाराजा थे। उनका महल काफी बड़ा था और उन्हीं में से महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए सुरक्षित था। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ ऐसे चित्रों की भरमार थी जिसमें महिला पुरुष काम वासना में लिप्त दिखाई देते थे। इस कमरे में महाराजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम था। महाराजा ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनवाया था। यह पूल इतना बड़ा था, करीब 150 महिला और पुरुष एक साथ नहा सकते थे। ऐसे स्विमिंग पूल में शानदार पार्टियां भी होती थी, जहां खुलेआम लोग अय्याशी करते थे। महाराजा ऐसी पार्टियों में अपनी प्रेमिकाओं के साथ भी खुलेआम इश्क फरमाते थे। पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह के 88 बच्चे थे और उनकी हरम में बहुत सी औरतें थी। उनके बारे में कहा जाता है कि साल में एक बार वह अपने महल में निवस्त्र होकर परेड करते थे, ताकि वह अपनी सभी रानियों को सुनिश्चित कर सके कि वह जीवित है और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मुगल बादशाह शाहजहां। लोग ताजमहल को प्यार के प्रतीक के तौर पर भी याद करते हैं। हालांकि ताजमहल लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज की हुई मौत का भी गवाह मानता है। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद हुई थी। शाहजहां ने जिस मुमताज की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवाया, उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। लगातार 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौर और आमिद साले ने इस मार्मिक घटना को बादशाह नामा किताब में दर्ज किया है। मुमताज की मृत्यु 39 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन वह शाहजहां के दिल के बहुत ही करीब थी और मुगल बादशाह उसकी खूबसूरती का कायल था। इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। मुमताज ने लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से उसे कई गंभीर समस्याएं हो गई थी और उनकी मौत हो गई थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी कजिन से शादी कर ली थी और मुमताज के बाद उसने करीब 8 शादियां और की थी। राजकुमार मारवेंद्र सिंह गोहिल। राजकुमार मारवेंद्र सिंह गोहिल शाही परिवार से इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने गे होने की बात स्वीकार की थी। बाद में उन्हें उनके परिवार ने त्याग दिया था। उनके परिजनों ने उन पर परिवार की बदनामी करने का आरोप लगाया था। महाराज राजेंद्र सिंह। महाराज राजेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि पटियाला के महाराज राजेंद्र सिंह की 365 पत्नियां थी, यानी कि हर दिन एक, लेकिन महाराजा की मौत 27 वर्ष में ही हो गई थी।
इतिहासकार के मुताबिक कुछ राजाओं को उन्हें राज्य के विकास के बारे में भी उतना ख्याल नहीं रहता था, बस वे दूसरे राज्यों से लड़ाइयां लड़ते रहते थे। अगर किसी राज्य को हड़प लिया तो वहां की सुंदर दासियों को अपने राज्य में लाकर रानी बना लेते थे। राजा लोग कभी कभी युद्ध के संबंध को निभाने के लिए भी कई शादियां कर लेते थे। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।